ये देख रहे हो, डिम तो एक टाइप से हुआ, मतलब रिफ्लेक्शन बहुत कम हो गया है, इस टाइप से ही यूज़ होता है। ये देखो, और दूसरा जो चीज मुझे अच्छा नहीं लगा इसमें, ये वाला है ना, इसमें डे नाइट का ऑप्शन नहीं दिया है जो कि देना चाहिए नॉर्मली, तो इस टाइप का है जो कि मैं शायद इसको चेंज करूंगा आगे चल करके। तो बाकी सीट कवर तो नॉर्मल है। देखो गाइस, ये 2 साल हो गए इसका बोला हुआ, ये बंदा आज तक नहीं लगाया। चलिए इससे पूछते हैं क्यों अभी तक नहीं लगाया है ये। और भाई कैसे हाँ भाई, हो? बढ़िया। क्या हो गया? आप अभी अभी तक वो मिरर को कैसे चेंज नहीं किए हो? कौन सा मिरर भैया? इनर व्यू। इनर व्यू मिरर? हाँ। अरे यार आप आओ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखते हैं गाइस। चलो ये देखो, ये महिंद्रा ओरिजिनल। वाओ, महिंद्रा ओरिजिनल VS6 वाला। चलो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं अब। चलो चलो गाइस, ये है अपना VS6 जो मतलब कि अभी जो लेटेस्ट आ रहा है गाड़ी महिंद्रा का, उसका इनर व्यू मिरर है बीच वाला। तो इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ उसमें क्या क्या है। हालांकि मैंने थोड़ा सा अनबॉक्स करके देख लिया था पहले ही, बट आप लोग के साथ और एक बार थोड़ा सा टन 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 टन, इसको फेंको, फेंकना नहीं चाहिए, ऐसे वापस ले जाएंगे। तो ये देखो गाइस, मैंने ऑर्डर किया था ये budmo.com से, और आप लोग भी कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर दो यार budmo प्लीज़। तो ये देखो, इनर व्यू मिरर है, और इसमें जो है डे नाइट वाला जो ऑप्शन होता है ये इसमें दिया हुआ है, और जो हमारे पहले से लग के आया था गाड़ी में वो ये चीज़ नहीं दिया था, जिसके कारण रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ आता है जब पीछे से कोई गाड़ी हाई बीम पे चले, तो खासकर चलाने में बड़ा दिक्कत आता है। तो आज इसी को हम चेंज करेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। बेसिक अंतर है, मैं आपको यही बताना चाह रहा था, इसमें ये वाला सिस्टम नहीं है। ये कुल मिला के ये है इसमें कि कुछ फिल्टर सा आ जाता है, जिसके कारण जो ऐसे प्रकाश आता है जिसके कारण अपने को देखने में चलाने में दिक्कत होता है, तो वो थोड़ा कम कर देता है, डिम कर देता है। तो इसलिए इनर व्यू मिरर ये डे नाइट ऑप्शन के साथ आना चाहिए। हालांकि महिंद्रा ने दिया, पता नहीं क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ है, इसको दे देना चाहिए था। जिस देखो इसमें नहीं है, नॉर्मल आना है। तो आज इसी को हम चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए कुछ खास नहीं दोस्तों, आपको ये कवर निकालना पड़ेगा, फिर 2 नट होंगे उनको निकाल के अपन इसको सेट कर देंगे। तो आइए हम इसको भी खोलते हैं। इसको खोलना बहुत ईजी है, आपको यहाँ पे पेचकस फंसाना है, उसके बाद इसको निकालना है, और ये आराम से बाहर आ जाएगा इस तरीके से। ये मैं धागा बांध दिया, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, पतला पेचकस ही लेना गाइस, ताकि निकालने में आसानी हो। इस ये देखो निकल गया अपना, तो इस तरीके से कुछ दिख रहा है अच्छे से। हाँ। तो क्लैंप रहता है, ये फंस जाता है यहाँ और यहाँ, और ये 2 नट है, बोल्ट है, पता नहीं क्या बोलूँ मैं। तो इसको अपने को निकालना है, तो ये प्लस वाला है तो अपन प्लस वाला ही इसको लगा लेते हैं, और उसके बाद इसको आराम से खोल लेंगे। ये देखो अपना ये नट बाहर आ रहा है, ये इतना बड़ा स्क्रू है, इसको फिलहाल मैं यहाँ रख देता हूँ। इसको पकड़ लेना गाइस, नहीं तो आपका ये एंड्रॉयड पे गिर जाएगा अगर आपके में लगा हो तो, या वैसे भी गिर जाएगा। तो ये अपना आराम से बाहर आ गया। ये देखो गाइस अपना बाहर आ गया, ये देख रहे हो महिंद्रा वाले। तो ये देखो, इस पर कुछ वो नहीं है डे नाइट वाला, जबकि अगर मैं आप लोग को ये दिखाऊं तो इसमें ये वाला दिया हुआ है, जिसके कारण आप डे नाइट में शिफ्ट कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा डेमो भी दे दूंगा लास्ट में, तो पूरा लास्ट तक देखना वीडियो को। तो अब इसको फिट करते हैं गाइस। तो ये यहाँ पे ऐसे फिट हो जाएगा, यहाँ पे एक छोटा सा वो रहता है, रुको आपको दिखा रहा हूँ, छोटा सा कुछ पार्ट है जो इसके साथ ही आया था, थोड़ा निकल गया है बीच बीच में। तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके अपन सेट कर लेंगे, और उसके बाद अपन दोनों बोल्ट लगा देंगे एक एक करके। बहुत ईजी प्रोसेस है, आप घर बैठे कर सकते हैं, आपको कोई मैकेनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, अगर आप थोड़ा बहुत भी काम कर लेते हैं तो। गाइस ये मैंने यहाँ पे दोनों नट को कस रहा हूँ, मतलब अभी भी ऑन द वे है काम। तो आपको अच्छे से टाइट कर लेना है, ताकि ये बिल्कुल भी हिले मत, और आपको एक अच्छा व्यू
प्रदान कर पाए। वाह क्या हिंदी बोला मैं। देखो ये अपना नया सेट हो गया और ये डे नाइट ऑप्शन के साथ आता है, इसे आप यूज़ कर सकते हो। मैं थोड़ा सा खुश हो गया हूँ क्योंकि मैं कल ही रात में ड्राइव कर रहा था और बड़ा परेशानी हुआ मेरे को इस वाले मिरर के साथ, क्योंकि इसमें ये वाला फंक्शन नहीं आता है डे नाइट वाला, तो इससे दिक्कत हो रहा था, इतना चमक रहा था मेरी आंखों पे। बट ये अब है डल गया ये वाला, तो अब मेरे को गाड़ी चलाने में होप सो कोई दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा रात में। तो दोस्तों ये एक ढक्कन भी था जो मैं आपको दिखाया था, बस इसको आपको यहाँ पे ऐसे ला के बैठा देना है, बस ये आपका बैठ गया। मैंने आपको बताया तो ये जो पहले के मॉडल आते थे तो उस टाइप का ये आना है, और इसमें भी डे नाइट वाला डिमिंग वाला सिस्टम आता है जो कि SLX ZLX में आता था, और ये बुलेरो प्लस जो बेस वेरिएंट, मतलब AC बेस वेरिएंट, पता नहीं जो भी बोलो आप, तो उसमें सिंपल वाला दिया था, तो इसी में आपका डे नाइट वाला सिस्टम भी आता है। बट मेरे को थोड़ा इंटीरियर में थोड़ा सा अलग करना था जो कि ब्लैक है जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं, तो एक इंटीरियर में एक थोड़ा सा लुक भी इन्हेंस हो गया, थोड़ा बदल गया, तो मैंने इसे ब्लैक कलर में जो लेटेस्ट BS6 बुलेरो आ रहे हैं उसमें जो आता है मैंने वो वाला फिट कर लिया। तो यही था आज का वीडियो, और आप लोग को आफ्टर दिखा दूंगा कि कैसे काम करता है। देता हूँ ये देखो इस टाइप का है, तो जैसे ही मैं इसको ये करूँगा ये देख रहे डिम तो एक टाइप से हुआ, मतलब रिफ्लेक्शन बहुत कम हो गया है, इस टाइप से यूज़ होता है ये देखो, समझ रहे हो तुम, समझो यह थोड़ा सा काम करता है बट उतना परफेक्ट नहीं जितना इलेक्ट्रॉनिक वाला काम करता है, बट काम चल जाएगा आपका, मतलब मेरा चल जाएगा सस्ते में बेस्ट, वैसे भी महिंद्रा OEM है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधा मतलब ऐसे होगा ठीक है, ये देन आप ऐसे कर दीजिएगा, तो ये देखो यहाँ थोड़ा ब्लैकआउट हो गया, अजीब सा रिफ्लेक्शन सिस्टम बन गया, तो आपको आपके आंखों में नहीं चुभेगा, इस टाइप से डिज़ाइन है इसका। तो ये देखो गाइस अभी मेरा भाई दिख रहा है, अभी पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, उतना ढंग से नहीं दिख रहा है, और अभी दिख रहा है, बस ऐसे ही काम करता है, मतलब कैमरा एंगल थोड़ा सा ऐसा है कि सब दिखा देता है, बाकी आप आँखों में एकदम परफेक्ट, अगर ये सेट है अपना तो आँखों में एकदम परफेक्ट पड़ेगा। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, और किसी ज़रूरतमंद को हुआ तो भेज दें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।